नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव घोटिया और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल कृषि मिशन। दोस्तों आज अपने बात करेंगे डेली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चल रही है उसकी, और आज डे है 4। आज हमने जो क्वेश्चनों की संख्या है वो भी बढ़ा दी है। डेली इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आज से हम 25 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके, आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिले, आप खुद का एनालिसिस कर सको। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को, और आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान सोसाइटी इंटरनेशनल सोइल साइंस सोसाइटी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कणाकार महीन बालू श्रेणी के अंतर्गत आता है। आपको बताना यह है जो फाइन सैंड होती है उसके जो कणों का साइज है वो क्या होता है, ये बताना आपको इंटरनेशनल सोइल सोसाइटी के अनुसार। तो इसका राइट आंसर होगा 0.2 से 0.02 mm क्या होता है फाइन जो सैंड होती है उसका कणाकार रहता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा श्रेणी नहीं है। आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सी है वो मृदा श्रेणी नहीं है, सोइल सीरीज नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है सैंडी लोम सैंड, सैंडी लोम और सैंड। तो इसका राइट आंसर होगा सैंड। देखिए जो सैंड या बालू है वो सोइल सीरीज नहीं होती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना अच्छे से। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर है 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक या ऑर्गेनिक रसायन उर्वरक है। आपको इसमें से ये बताना है कौन सा जो फर्टिलाइजर है वो कार्बनिक है ऑर्गेनिक है। आप सभी को जैसे पता है इसका आंसर क्योंकि आपने इसको पढ़ रखा होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यूरिया। राइट आंसर होगा यूरिया, क्योंकि यूरिया में क्या होता है कार्बन परमाणु होता है, इसलिए इसे कार्बनिक उर्वरक कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पोषक तत्वों की कमी के लक्षण से संबंधित कौन सा युग्म सही नहीं है। आपको बताना यह है जो आपको युग्म दिए गए इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए यहाँ आपके सामने ऑप्शन है कैल्शियम की कमी के लक्षण अंतिम कलिका पर प्रदर्शित होते हैं जो समय के साथ सूख जाते हैं। यह सही है, कैल्शियम की कमी के क्या होते हैं जो सीरस होता है या जो प्लांट का टॉप पार्ट होता है उस पे या कलिका पे बड पे प्रदर्शित होते हैं जो बाद में सूख जाते हैं। फिर बात करें अपने सल्फर की, युवा पत्तियों पर पीलापन प्रदर्शित होता है यानी जो नई पत्तियाँ होती हैं उन पर, ये भी सही है। फिर देखिए फेरस की बात करें, पुरानी पत्तियों पर पीलापन प्रदर्शित होता है। देखिए फेरस की कमी से क्या होता है नई पत्तियों पर पीलापन दिखाई देता है, तो यह है क्या है गलत है, सही नहीं है। फेरस की कमी किस पे नई पत्तियों पर दिखाई देती है, यहाँ इसने दिया है पुरानी पत्तियों पर पीलापन प्रदर्शित होता है, तो ये गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रूबी किस फल की किस्म है। आपको बताना यह है रूबी किस फल की किस्म रहती है। तो देखिए रूबी अनार की किस्म रहती है, किसका राइट आंसर क्या होगा अनार, अनार की रूबी किस्म होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाब की कौन सी स्पीसीज में तेल की मात्रा सबसे अधिक होती है। आपको बताना यह है गुलाब की वो कौन सी स्पीसीज है जिसमें जो एसेंशियल ऑयल है वो सबसे अधिक पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा रोजा डेमेसिना। देखिए रोजा डेमेसिना में जो गुलाब की सभी प्रजातियों के अंतर्गत तेल सबसे ज़्यादा किस में होता है रोजा डेमेसिना में पाया जाता है। इसमें 0.058% तक तेल पाया जाता है इसके अंदर। फिर देखिए नेक्स्ट बात करें अपने क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, पूसा मुक्ता कौन सी फसल की किस्म है। पूसा मुक्ता एक वैरायटी, इंपोर्टेंट वैरायटी है, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और यह वैरायटी किस सब्जी की है, ऑप्शन आपके पास फूल गोभी पत्ता गोभी प्याज टमाटर, तो यह किस्म है पत्ता गोभी की, इसका राइट आंसर होगा पत्ता गोभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्द्र गलन रोग सामान्यतः किस फसल में पाया जाता है। डैम्पिंग ऑफ डिजीज़, आपको सभी को पता है नर्सरी में लगने वाला डिजीज़ है,
किस में लगता है? ये नर्सरी में लगता है। और नर्सरी का जो प्रमुख रोग है ये किसका है? पपीते का। पपीते में प्रमुख रूप से लगता है नर्सरी में पीथियम या राइजोक्टिन या जो स्पीसीज होती है कवक की, उसके कारण लगता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विपणन वर्ष यानी जो फाइनेंशियल ईयर या मार्केटिंग ईयर है, जो मार्केटिंग ईयर है 2019-20 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP निर्धारित किया गया है वो कितना है? आपको बताना है गेहूं के लिए MSP 2019-20 के लिए कितना है। और आप सभी को पता ये भी होना चाहिए कि MSP है वो डिक्लेयर कौन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1925 रुपये। 2019-20 के लिए 1925 रुपये जो गेहूं के लिए MSP है वो है। और दोस्तों एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए, जो MSP है वो निर्धारित कौन करता है? देखिए MSP निर्धारित भारत सरकार करती है। MSP कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निर्धारित करती है। और सिफारिश किसकी होती है? CACP की। किसकी सिफारिश पर? CACP, कृषि कीमत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी नई दिल्ली में। अच्छे से याद रखना, किसकी रिकमेंडेशन पर? CACP की रिकमेंडेशन पर क्या करती है? भारत सरकार MSP की घोषणा करती है। और करती कब है? फसल की बुआई से पूर्व। कब करती है? बुआई से क्या करती है? पूर्व। बुआई से पूर्व, अच्छे से इसको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई? तो भारत में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो कब शुरू की गई थी? देखिए इसका राइट आंसर होगा 2016। देखिए इम्पोर्टेंट योजना है भारत सरकार द्वारा जो लॉन्च की गई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, देखिए 2016 में लॉन्च हुई। और इसके अंतर्गत रबी, खरीफ और जो वाणिज्यिक फसलों में अलग अलग प्रीमियम निर्धारित किया गया है। जैसे खरीफ के लिए 2% प्रीमियम है, रबी के लिए 1.5% प्रीमियम है, और जो कमर्शियल और प्लांटेशन क्रॉप है, जो वार्षिक वाणिज्यिक फसलें हैं, उनके लिए 5% प्रीमियम राशि है वो निर्धारित की गई है। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य दूध से खीस में कितने गुना अधिक प्रोटीन पाई जाती है? देखिए सामान्य दूध से खीस में कितने गुना अधिक प्रोटीन पाई जाती है ये आपको बताना है। आपको ये पता होगा दूध के अंदर लगभग प्रोटीन कितनी होती है? 3.5% के आसपास प्रोटीन होती है। और खीस में लगभग क्या होता है? 17-17.5% के आसपास क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो आप आइडिया लगा सकते हो लगभग कितना होता है ये? 3 से 5 गुना। कितना होता है? 3 से 5 गुना जो प्रोटीन है वो दूध से खीस में अधिक, सॉरी 3 से 5 गुना आंसर होगा इसका। क्या ये बी? 3 से 5 गुना प्रोटीन है वो अधिक पाया जाता है दूध से खीस के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पश्मीना ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध बकरी की नस्ल है? आपको बताना यह है, भारत में पश्मीना ऊन उत्पादन के लिए बकरी की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा चांगथांगी। कौन सी? चांगथांगी नस्ल है, उससे पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। यह क्या? उत्तरी हिमालय क्षेत्र की एक नस्ल है बकरी की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भेड़ की कौन सी नस्ल कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यानी किस भेड़ की जो ऊन होती है उससे अच्छे कालीन बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा चोकला। और चोकला को भी क्या कहते हैं? राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसका जो ओरिजिन है वो शेखावाटी क्षेत्र, सीकर के आसपास का क्षेत्र है राजस्थान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, गायों में गर्भकाल होता है, आपको गाय का गर्भकाल बताना है कितने दिन का होता है? तो आप सभी को ये तो पता ही होगा गाय का गर्भकाल है वो 280 से 285 दिन माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा 280 से 285 दिन। भैंस का कितना होता है? लगभग 300
सात दिन होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45 है, हे में नमी का प्रतिशत होता है, आपको हे में कितनी नमी होती है ये बताना है। देखिए हे में 15 से 20 प्रतिशत नमी पाई जाती है। कितनी होती है? 15 से 20 प्रतिशत नमी पाई जाती है हे में। अब हे क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए हे क्या होता है, जो मुलायम घास होते हैं उनको सुखाकर क्या किया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है और भविष्य में पशुओं को खिलाने के लिए इसको काम में लिया जाता है, इसे हे कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक वयस्क गाय के लिए कितने वर्ग फीट स्थान संतोषजनक माना जाता है या उसके लिए सफिशेंट होता है, कितने स्क्वायर फुट स्थान होता है। जो देखिए गाय के लिए 20 से 25 स्क्वायर फीट है वो स्थान पर्याप्त होता है। कितना? 20 से 25 स्क्वायर फीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए कटवा लट कटवरम एग्रिटिस एप्सिलोन किस फसल का प्रमुख कीट है? कटवा लट एग्रोटिस एप्सिलोन उसका नाम होता है, आपको बताना ये किस फसल का प्रमुख कीट है। तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा चना। चने का जो प्रमुख कीट होता है वो कटवर्म होता है। और ये क्या करता है, चने की जो जड़ें होती है, चने की जो जड़ें होती है यहाँ से इसको काटता है, जिससे क्या होता है पूरा पौधा नष्ट हो जाता है और पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो ये प्रमुख कीट होता है चने का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज्वार व मक्का के कीटों में से कौन सा कीट गण डिप्टेरा का है, आपको बताना ये है। इनमें से कौन सा कीट है वो डिप्टेरा गण का है? तो इसका राइट आंसर होगा एथेरिगोना वेरियोसोकेटा। क्या होगा? बी एथेरिगोना वेरियोसोकेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपने उसका नाम सुना होगा, ज्वार की जो सूट फ्लाई होती है उसका नाम क्या होता है? एथेरिगोना वेरियोसोकेटा होता है, जो क्या होती है डिप्टेरा गण की होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनाइल पायरोजोल कौन से कीटनाशक में है, यानी जो फिनाइल पायरोजोल है वो किस कीटनाशक के अंतर्गत आता है ये बताना है आपको। ये आता है फिप्रोनील के अंतर्गत। किस में आता है? फिप्रोनील में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड बैक मौत कौन सी फसल पर अतिक्रमण करती है। डायमंड बैक मौत बहुत इंपॉर्टेंट कीट है, आपको पता होना चाहिए किस कीट पर इसका आक्रमण होता है। देखिए जो सरसों कुल की या क्रूसीफेरी कुल की जो फसलें होती है, जैसे पत्ता गोभी का मुख्य कीट है, ये सभी गोभी वर्गीय पर होता है, लेकिन पत्ता गोभी का ये प्रमुख है। लगता सभी गोभी वर्गीय और सरसों कुल है जो क्रूसीफेरी कुल होता है सभी पे लगता है कीट, इंपॉर्टेंट कीट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सरसों कुल, याद रखना इसको अच्छे से। डायमंड बैक मौत, और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? प्लूटेला जाइलोस्टेला रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51 है, मूंगफली में लगने वाली मुख्य बीमारी, मूंगफली की मुख्य बीमारी कौन सी होती है? अगेती व पछेती पत्ती धब्बा रोग। आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा? अगेती व पछेती पत्ती धब्बा रोग। तो चलिए चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं को पकने हेतु औसत तापमान की आवश्यकता होती है, गेहूं को पकने के लिए कितने डिग्री सेल्सियस औसत तापमान चाहिए। तो गेहूं को पकने के लिए 14 से 16 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान की आवश्यकता रहती है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी जर्म बहु अंकुरित चुकंदर की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी होती है। आपको ये बताना है, बहु अंकुरित जो चुकंदर होता है यानी उसमें एक से अधिक जो पौधे एक बीज से निकलते हैं, तो उसके लिए अपने को 10 किलोग्राम सीड है प्रति हेक्टेयर वो पर्याप्त रहता है। कितना? 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर उसकी सीड रेट रहती है। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक सतही सिंचाई का तरीका है। आपको ये बताना है इसमें से कौन सा एक सतही सिंचाई का तरीका है। देखिए एक सतही सिंचाई कौन सी है? कैब लेगेशन। कौन सी है? कैब लेगेशन एक सतही सिंचाई है। बाकी देखिए सर्ज इरीगेशन, कोरूगेशन, ये क्या होता है?
देखिए कोरूगेशन क्या होता है, ऑन और ऑफ मोड होता है इसमें, जो एक बार पानी छोड़ा जाता है फिर बंद किया जाता है, फिर छोड़ा जाता है फिर बंद किया जाता है। और सर्ज विधि क्या होती है, सर्ज में क्या होता है, इसमें जो स्मॉल और शैलो फुरो बनाए जाते हैं। और यह क्लोज ग्रोविंग, सर्ज मेथड क्या होता है, क्लोज ग्रोविंग या नज़दीक जो कम दूरी पे फसलें बुआई की जाती है उनके लिए उपयुक्त रहता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। आज का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ 56 नंबर लगा हुआ है, तो यह क्वेश्चन नंबर हो गए 55। अरहर की किस्म IPCL 87 कहाँ से विकसित की गई है ये बताना है। IPCL 87 देखिए यह किस्म इक्रीसेट हैदराबाद से विकसित की गई है। इसका राइट आंसर होगा इक्रीसेट हैदराबाद। आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।